एक शांत प्रदेश को आखिर कौन अशांत बनाने पर तुला है? उत्तराखंड में एक खत से आखिर सरकार और प्रशासन को इतना क्यों बेचैन कर दिया एक खत ने, और उन्हें दिन रात संदिग्ध लोगों और वस्तुओं पर पैनी नजर रखनी पड़ रही है। एक रिपोर्ट जिसमें आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। एक खत मिला है, स्टेशन को उड़ाने की बार बार बात की जा रही है, और इसको लेकर किस तरह की बातें पुलिस की तरफ से की गई हैं, ये रिपोर्ट देखिए। एक खत से बेचैन हुआ उत्तराखंड, सरकार और पुलिस की नींद क्यों हुई हराम? चप्पे चप्पे पर पुलिस की तीखी नजर। ये वो खत है जिसने उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की नींद उड़ा दी। दावा आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने किया है। उन्होंने खत में रुड़की रेलवे स्टेशन समेत उत्तराखंड के कई जिलों को बम से उड़ाने का संदेश भेजा है। जैसे ही ये खत रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक के पास पहुंचा, तो रुड़की समेत पूरे उत्तराखंड में हड़कंप मच गया। पुलिस को जानकारी मिलते ही सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई। रेलवे स्टेशन समेत कई जगहों पर सघनता अभियान चलाया और गहनता से यात्रियों के अलावा संदिग्ध वस्तुओं की तलाशी ली गई। ये तस्वीरें रुड़की रेलवे स्टेशन की हैं, जहां पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि ऐसा पहली बार नहीं जब आतंकियों की तरफ से धमकी भरा खत मिला हो। इससे पहले भी आतंकियों की तरफ से धमकी भरे संदेश भेजे गए हैं। हालांकि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। देखिए, ये लेटर आया है रेलवे स्टेशन मास्टर के माध्यम से, किंतु हमारा पुराना अनुभव इस पे रहा है कि ये एक थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी प्रतीत होता है, क्योंकि एक बार नहीं कई बार ऐसे लेटर्स भेज चुका है और पिछले 15-20 साल से इसने कई बार ऐसा किया। फिर भी हम अपनी ओर से वो रहते हैं, कोशिश भी करते हैं कि कहां से आया है। अब आपको तफसील से बता देते हैं कि खत में आखिर लिखा क्या है। दरअसल रेलवे स्टेशन अधीक्षक को शनिवार शाम एक धमकी भरा पत्र मिला। पत्र टूटी फूटी हिंदी में लिखा हुआ है। इसमें खुद को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर सलीम अंसारी बताकर लक्सर, नजीबाबाद, देहरादून, रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। साथ ही हरिद्वार में मनसा देवी, चंडी देवी समेत अन्य धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। हालांकि ये पहली घटना नहीं जब उत्तराखंड में इस तरह की धमकी दी गई हो। अप्रैल 2019 में इसी तरह का एक पत्र रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक को मिला था, जिसमें 13 मई को रेलवे स्टेशनों पर धमाके किए जाने की धमकी दी गई थी। उसके बाद रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हालांकि इस तरह के धमकी भरे पत्र नवंबर 2021 में मेरठ और हापुड़ के रेलवे स्टेशन अधीक्षक को भी मिले थे। राव शफात अली, देहरादून, खबरें अभी तक।